सो गाइस, आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट बट स्विमिंग ड्रॉप्स ओपी आइटम्स। मैं स्पॉन हो चुका हूँ और स्पॉन भी सीधा पेड़ पे गया, पर आज पेड़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारे को तो एक वाटर बॉडी चाहिए और वहां से सारा काम हो जाएगा, और मुझे वो वाटर बॉडी दिख भी चुकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो चलो सीधा वाटर बॉडी पे चलते हैं। तो गाइज, आप में से 99% लोगों को तो टाइटल थंबनेल से देख के समझ ही आ गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, पर हमारे कुछ अल्ट्रा लीजेंड प्रो मैक्स एक्स बंदों को नहीं समझ आया तो मैं उनको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। सो गाइज, जहाँ पे मैं रियल लाइफ में रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, और ठंडी के कारण मैं नहाना छोड़ देता हूँ। पर बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा चलो माइनक्राफ्ट में जाके नहा लिया जाए। और मैं जैसे ही नहाने गया वहाँ पे हमारे चंपक चाचा प्रकट हो गए और वो मुझसे कहने लगे, बताओ गाइज मुझे घंटा समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे वो। फिर मैंने अपना बिग ब्रेन लगाया और कुछ मैथ्स की इक्वेशन लगाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि वो क्या कहना चाह रहे थे। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? ना अभी बोल रहे हो तो मुझे तो सुनाई दे नहीं रहा, पर चलो एक और बार बोलता हूँ, आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? चंपक चाचा क्या कह रहे थे? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वो कह रहे थे हेलो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, मैं नदी के पास आ चुका हूँ और अब यहाँ पे आके मुझे लंबे लंबे गोते लगाने हैं नदी के अंदर ताकि मुझे ओपी आइटम्स मिल जाए। सो वेट किस बात का, चलो एक लंबी सी रनअप लेके नदी के अंदर गोते लगा देते। और ये पाद जैसी आवाज़ कैसे आ रही, ओहो इससे ओपी आइटम्स निकल रहे, कितना फनी है। तो अब यहाँ से मैं सारे ओपी आइटम्स कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आप लोग। मैं जब ओपी आइटम कलेक्ट कर रहा था तब मुझ पर एक ड्रोन ने हमला कर दिया और मैं भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने भी अपना ट्राइडेंट निकाल के उसको दो चार ट्राइडेंट बजा दिए और आखिरी में क्या होना था, वो वहाँ से मर गया और फिर मैं भी ड्राउन होने लग गया था। तो मैं भी ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। दिस आउट गाइस, मेरे को सिर्फ गेम में आए 5 मिनट हुए और मुझे फुल सेट नेदरराइट आर्मर मिल चुका है, वो भी पूरे टूल्स के साथ। और ये तो सिर्फ बकवास चीज़ें, सारी चीज़ें जो इस चेस्ट के अंदर है, रुको मैं खोल के दिखाता हूँ तुम्हारे को। सो देख लो गाइस, आते से 8 मिल चुकी है और कुछ बहुत सारे ट्राइडेंट और एनचेंटेड एप्पल और टोटम भी मिल चुके हैं। पास जो गोल्डन कैरेट है उसको मैं नदी में फेंक कर आ जाता हूँ, क्योंकि अब ये बकवास सा खाना तो हम लोग खाने से रहे, तो इस गोल्डन कैरेट को बाय बाय कह दिया जाए। सो गाइज, गोल्डन कैरेट की आत्मा की शांति के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और इस चेस्ट में भी मैंने बहुत सारा फर्जी सामान रख रखा है। चलो अब मैं सीधा निदर के लिए निकलता हूँ। सो गाइस, निदर जाने के लिए मुझे कुछ ऑब्सीडियन चाहिए थे, इसके लिए मैं डिग डाउन करके सीधा नीचे आ गया और मुझे वहाँ पे बहुत सारा लावा दिख रहा है। तो चलो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको ऑब्सीडियन में कन्वर्ट कर लेता हूँ और फिर सीधा पोर्टल बना लेता हूँ। सो गाइस, मैंने अपना पोर्टल भी बना लिया है, पर मुझे याद आया निदर को एक्टिवेट करने के लिए एक फ्लिंट भी चाहिए होगा और फ्लिंट तो था नहीं, तो अब क्या फ्लिंट को ढूंढना निकला। सो गाइस, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद मुझे एक फ्लिंट मिल चुका है और अब एंडर चेस्ट को प्लेस करके इसमें से आयरन के ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब मैं स्मेल्ट तो करने से रहा। और आयरन के ब्लॉक से मैं इंगट कन्वर्ट कर लूँगा और फिर मैं नेदर पोर्टल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। गाइस, नज़र में आते से हमारा स्वागत आग से और लावा से हुआ और फिर बहुत बुरा हादसा हुआ मेरे साथ। सो सॉरी गाइस, मैंने नज़र की क्लिप को रिकॉर्ड तो करा था पर वो पता नहीं कैसे करप्ट हो गई, पर टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आप लोग इमेजिन करो और मेरी कमेंट्री को एंजॉय करो। तो नज़र में गया और वहाँ पे जाके मैंने ब्लेज को मारे और बहुत सारे एंडरमैन को, और फिर वहाँ से मुझे ब्लेज रॉड मिली और उनको कन्वर्ट करके मैंने आई ऑफ एंडर बना ली और फिर ओवरवर्ल्ड आ गया। मैंने ओवरवर्ल्ड आके पहले ही चेक कर लिया था रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, और अब सब सही हो गया था। और फिर मैंने आई ऑफ एंडर निकाली और बिना टाइम वेस्ट किए एंड पोर्टल को ढूंढना शुरू कर दिया। सो गाइस, बहुत देर बाद मुझे एक सस्पिशियस जगह मिली और वहाँ तक पहुँचने के लिए मेरी 5 आई ऑफ एंडर भी वेस्ट हो गई थी, पर फिर मैंने एक और आई ऑफ एंडर मारी और वो ज़मीन में चली गई। तो मैं समझ गया था कि यहाँ पे एंड पोर्टल है, इसके लिए मैंने स्ट्रेट डिग डाउन करा और मैं साथ नीचे आ चुका था। गाइज, मैं काफ़ी लकी था, मुझे जल्द से जल्द एंड पोर्टल मिल गया और वहाँ पे मैंने छोटे छोटे चूहों को मार के इनका स्पॉनर को भी तोड़ दिया ताकि ये बार बार रिप्रोड्यूस होके जिंदा ना हो जाए। फिर से मैं लकी साबित हो गया क्योंकि मेरे पास 10 आई ऑफ एंडर ही बची थी और पोर्टल में पहले से ही 2 लगी हुई थी, वरना ये बहुत ज़्यादा रेयर चांस होता है कि पोर्टल में लगी हुई भी हो। मैंने आई ऑफ एंडर सारी प्लेस करी और ड्रैगन को मारने के लिए मैं एकदम तैयार हो चुका था। सो गाइस, मैं जैसे ही एंड पहुंचा वहाँ पे मुझे केज में लॉक कर रखा था, तो मैं बाहर आके सारे क्रिस्टल फोड़े
तो गाइस क्रिस्टल फोड़ने के बाद एंडर ड्रैगन जैसे नीचे आया, मैंने उसके रब के सॉर्ड बजा दी और उसके बहुत डैमेज किया, पर उसने अपनी कायरगिरी करी और मुझे पीठ दिखा के वहाँ से भाग लिया। एंडर ड्रैगन सेकंड टाइम नीचे आया, मैंने उसके और सॉर्ड बजाई, पर इस बार उसने भी मुझे काफ़ी उसकी थूक से डैमेज किया, तो मैं उससे थोड़ा सा पीछे हट गया और मैंने अब डिसीजन लिया कि मैं उसके ऊपर TNT से उसको मारूंगा। तो मैं आखिर में जब TNT लगाने गया तो ड्रैगन ही नीचे आ गया। तो फिर मैंने लास्ट में जाकर प्लान चेंज करा और मैंने अपनी सॉर्ड से उसको दे रखे बजाई और आखिर में हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया। तो आखिरकार गाइस मैंने एंडर ड्रैगन को मार के एंड को फ्री कर दिया था और मैंने ड्रैगन एग लेके ओवर वर्ल्ड में जाने का प्लान बनाया। तो गाइस मैंने जहाँ से शुरू करा था मैं वहाँ पे ही खड़ा हूँ और मैं जीरो से शुरू करा था, पर अब मैं हीरो बन चुका हूँ और ड्रैगन को भी मार दिया था। तो यार आज की वीडियो में ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट्स में जाके ज़रूर से बता देना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।